Hi everyone and welcome to IGN India's Weekly Fix. चलिए देखें इस हफ्ते के खबर. Monster Hunter World के नए अपडेट्स में Witcher Collaboration, Iceborne Expansion and lots more. Capcom की biggest selling game के अपडेट्स में आ रहे हैं 19 दिसंबर से लेके अगले साल तक एक नए लिमिटेड टाइम मॉन्स्टर कूलवे टरोथ, आज टेम्पर्ड न जिगांटे, वन ईयर एनिवर्सरी अप्रिसिएशन फेस्टिवल और गेम का एक ट्रायल वर्जन. डूम के क्रिएटर्स अगले साल 1993 डूम की नए लेवल्स रिलीज करने वाले हैं. डूम क्रिएटर्स जॉन रोमेरो और रोमेरो गेम्स ने डूम की 25वीं सालगिरह के लिए मेगा अवार्ड अनाउंस किया है जिसको नाम दिया है सिजिल. सिजिल में 18 लेवल्स शामिल है, 9 है सिंगल प्लेयर लेवल्स और 9 डेथ मैच के लिए. प्लेयर्स को सिजिल के नए लेवल्स खेलने के लिए ओरिजिनल 1993 डूम गेम अपनाना होगा. मेटल गियर सॉलिड की एक टेबल टॉप गेम अनाउंस्ड. IDW गेम्स ने बताया है कि एमर्सन मात्सुची की मेटल गियर सॉलिड द बोर्ड गेम में 1998 गेम वाले ओरिजिनल स्टोरी है. इस बोर्ड गेम में प्लेयर्स सॉलिड स्नेक, मेरिल सिल्वरबोर्न, ऑक्टोकॉन और ग्रे फॉक्स के रोल्स निभाते हैं. एमी हेनिक को अगले साल गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है. अनचार्टेड सीरीज पे उनके काम के लिए कई गेमर्स इनके फैंस हैं. नॉटी डॉग और अनचार्टेड सीरीज के बाद एमी ने ईए गेम्स की स्टार वॉर्स गेम्स पे काम किया. अब उन्होंने अपनी स्टूडियो शुरू की है जिसमें वर्चुअल रियलिटी गेम्स पे फोकस रखते हैं. स्पॉन क्रिएटर टॉड मकफालेन मानते हैं कि स्पॉन आने वाले हैं मॉर्टल कॉम्बैट 11 में. रेडिट AMA द्वारा वेनम के को क्रिएटर और स्पॉन के क्रिएटर टॉड मकफालेन से पूछा गया था कि ये स्पॉन को मॉर्टल कॉम्बैट 11 में रखेंगे कि नहीं. उन्होंने जवाब दिया, बस मुझे विश्वास है कि स्पॉन आ रहे हैं. अब तक मॉर्टल कॉम्बैट में एलियन, क्रेटोस, प्रेडेटर, जेसन वॉगीस, लेदरफेस और फ्रेडी क्रूगर के कैरेक्टर्स आ चुके हैं, पर स्पॉन का आना बाकी है. प्लेयर्स अब रेड डेड ऑनलाइन में पैसे देके इन गेम गोल्ड खरीद सकते हैं. रॉकस्टार ने अनाउंस किया है कि रेड डेड ऑनलाइन बीटा प्लेयर्स को मिलेंगे इन गेम रिवॉर्ड्स, जो है 15 गोल्ड बार्स और गेम के अलग अलग एडिशंस के मुताबिक इन गेम कैश. गेम के ऑनलाइन वर्जन में प्लेयर्स को गोल्ड बार्स का इस्तेमाल करके कपड़े, गन कस्टमाइजेशन और घोड़े खरीद सकते हैं. राइट गेम्स के COO को मिलता है 2 महीने का सस्पेंशन वर्क प्लेस मिसकॉन्डक्ट की वजह से. लीग ऑफ लेजेंड्स बनाने वाले राइट गेम्स के COO स्कॉट गेल्ब को 2 महीने के लिए अनपेड सस्पेंशन दिया गया है. रिपोर्ट्स आए हैं कि राइट गेम्स की शुरुआत से ही स्कॉट गेल्ब एम्प्लॉयज के साथ बेशर्मी से पेश आए हैं. कान्ये वेस्ट ट्विटर पे गेम डिजाइनर हिडेओ कोजिमा को खोजने की कोशिश कर रहे हैं. कोई नहीं जानता कि कान्ये कोजिमा को क्यों ढूंढ रहे हैं. क्या ये नया कान्ये सॉन्ग के लिए है या कोई नई गेम के लिए? बस सिर्फ इतना पता है कि वो अब ढूंढ रहे हैं उन्हें. बस ये थे इस हफ्ते के खबर. गेमिंग समाचार पर और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन टू in.ign.com. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय.